हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लू से बचने के लिए एक बहुत ही असरदार आम केरी पन्ना। ये आम केरी पन्ना मुझे मेरी सासू माँ ने बनाना बताया था। मेरी सासू माँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है और छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो मुझे इस तरह के नॉर्मली काढ़े और छोटे मोटे जूस और दवाइयाँ बताती रहती है, जिसे मैं आजमाती रहती हूँ। इस बार गर्मी और लू बहुत ज़ोरों से पड़ रही है, तो आपको ये वाला जूस बहुत ही राहत प्रदान करेगा और आप भी इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे, जिस तरह से मैं हो गई थी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको लू और गर्मी लगी है या नहीं। इसके लिए जब आपको लू लग जाती है तो आपकी आँखों में से, नाक में से और मुँह में से गर्म गर्म भाप निकलती है और आपको भूख लगना बंद हो जाती है। इसी के साथ में चक्कर, उल्टी और दस्त आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, बस आप घर पर रेस्ट कीजिए और ये वाला जूस आप 4 से 5 दिन तक आराम से काम में ले सकते हैं। बस थोड़े थोड़े गैप से आप इसे पीते रहिए और आप अपनी आंखों के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां थोड़ी थोड़ी देर से लेते रहें। फिर भी आपको अर्जेंटली घर से बाहर जाना ही पड़े तो खास करके अपने सर को और पूरी बॉडी को ढक कर ही जाएं और अपने आँखों पर सनग्लासेस ज़रूर लगाएं। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा केरी आम पन्ना। ये हमने 3 बड़े और मोटी साइज़ की केरी ली है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बड़ी और मोटी साइज़ की केरी लेनी है, क्योंकि इनके अंदर पल्प बहुत ज़्यादा निकलता है और गुठली बहुत कम निकलती है और ये बहुत ही असरकारक केरी है और नॉर्मली भाषा में आप इसे कच्चा आम भी बोल सकते हैं। इसको हम छीन लेंगे। इनको हम प्रेशर कुकर के अंदर डालकर 2 गिलास पानी का डाल देंगे और 4 सीटी आने तक पका लेंगे। आप देख लीजिएगा, अगर आपकी केरी पकी नहीं है तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। मेरी सासू माँ बताया करती है कि जब हम बनाया करते थे अपने टाइम में इस जूस को, तो सारे घर वालों का खाना बनाने के बाद में आखिर में जो कोयले बचा करते थे उनके अंदर हम इनको दबा कर रख दिया करते थे और उसके बाद में इसका जूस बनाया करते थे। लेकिन हमारे टाइम का जूस कुछ अलग ही तरह का था और उस वाले जूस का स्वाद बहुत ही देसी हुआ करता था। लेकिन चलिए, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे और प्रेशर कुकर में सीटी आने तक पका लेंगे इसे। जब तक हमारी केरी उबल करके रेडी होती है, तब तक हम मसाले देख लेते हैं। इस केरी आम पन्ना को बनाने के लिए हमें बहुत ही बेसिक से मसाले चाहिए होंगे। उन मसालों में हमने 10 से 15 लवंग, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 इंच दालचीनी, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है। इन सभी मसालों को हम मिक्सर के अंदर डालकर इसका एक फाइन कंसिस्टेंसी वाला पाउडर बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको दालचीनी को छोड़कर कोई भी मसाला स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें जब लू लग जाती है तो ये सभी मसाले बहुत असरकारक है। ध्यान रहे कि आपको कोई ड्राई रोस्ट, फ्राई रोस्ट नहीं करना है। इन मसालों को सीधे ही मिक्सर के अंदर डालना है। नमक को छोड़कर हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसे हम हमारी कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इस मसाले को आप खूब सारा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये मसाला कम से कम 2 से 3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। लेकिन हम जितना बना रहे हैं उतना ही मसाला रेडी कर रहे हैं। एक बार 4 से 5 सीटी लगाने के बाद में ये देखिए, हमारी केरी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसे हम एक पतीली के अंदर निकाल लेते हैं। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है। हमने हमारे कच्चे आम को अच्छे तरीके से धोकर और पोंछ करके लिया था। अपने हाथों को हम अच्छे तरीके से धोकर पोंछकर और इन आम का हम हाथों से पल्प सारा का सारा निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत पल्प बच जाएगा उसे भी हम ठंडे पानी की सहायता से निकाल लेंगे। ये देखिए, 3 केरी से हमारा कितना सारा पल्प निकला है यहाँ पर। इसमें हम 1 बाउल भर के पूरा चीनी का डाल देंगे और जो हमने पाउडर रेडी किया था वो भी डाल देंगे। ये हमने सेंधा नमक भी डाल दिया। चीनी को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। इतनी चीनी अगर पर्याप्त हुई तो हम और नहीं डालेंगे, लेकिन कम हुई तो और डाल लेंगे। अब हम अपने पल्प को हैंड ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको मिक्सर के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा के हिसाब से कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही है। इसके अंदर हमने 1 गिलास ठंडे पानी का और डाल लिया। अपने पल्प को हमने कम से कम 5 मिनट तक ब्लेंड किया है। इसके बाद में हमारा जूस यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये जूस आपको देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, पीने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा और हेल्थ के लिए तो है ये बहुत ही बेनिफिशियल। अपने जूस को हम छानेंगे नहीं, क्योंकि बिना छाने ये जूस के ही बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे हमको।
अब हम जूस को गिलास के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ठंडे ठंडे जूस को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुंह में पानी। ये देखने में आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना ही आपको हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस जूस को आप फ्रिज में रखकर कम से कम 4 से 5 दिन तक आराम से काम में ले सकते हैं। आपको लू लगे या न लगे, आप आराम से इसको पीजिए और लू से और गर्मी से बचे रहिए। इसको नॉर्मली आप लू लगे या न लगे ऐसे भी पी सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्थी होगा ये। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ में ही अपने घर पर ही इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।